नगरी निकाय में 20 तारीख को चुनाव हुए थे, आज उनके चुनाव परिणाम आए हैं, जिसमें 6 पर भाजपा ने कब्जा किया है और 1 पलसूद में कांग्रेस के पार्षदों की अधिकता है, जिसके बाद दोनों ही दलों ने अपने लिए क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, आइए जानें। भाजपा के पक्ष में पूरा रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है, 7 निकाय में 6 पर भाजपा दिख रही है। बड़वानी जिले के 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें आज मतगणना के दौरान ये जो जीत मिली है वो मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी के नेतृत्व में, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में ये जीत मिली है। हम 6 स्थानों पर एक तरफा जीते हैं। अभी पलसुद की सूचना भी मेरे पास तक नहीं पहुंची है, पर वहाँ भी हमारा प्रयास जारी है कि पलसुद में भी भारतीय जनता पार्टी बनेगी। पहली बार पुरानी पद्धति पर चुनाव है, पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे, ऐसी स्थिति में ये पहला चुनाव शायद ऐसा होगा कि आखिरी दिन तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी ऊंट किस करवट बैठेगा। चूंकि चुनाव असमंजस का हमेशा बना रहता है, पर चुनाव के दौरान हमको इस बात का पूरा विश्वास था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की जो गरीब कल्याणकारी योजना है, जो जनता और समाज के बीच तक पहुंची है, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने रात और दिन परिश्रम किया है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के बड़वानी जिले के समस्त कार्यकर्ताओं के कड़ी मेहनत के कारण मिली हम सब लोगों को। सत्ता, पैसा, सांसद, दो सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, पूरा बीजेपी के पूरा कैडर लगा हुआ था, और कहीं सत्ता शासन और पैसा, बाहुबली, ये सब चीज़ें इनमें चली है। फिर भी कांग्रेस की स्थिति संतोषजनक है, मतदान प्रतिशत कोई कम हुआ ऐसा कुछ है नहीं, तो आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहेगी, चारों सीट जीतते बताएंगे। सेंधवा विधायक ग्यासीलाल का आरोप है कि संगठन में जान नहीं है, भाजपा का संगठन मजबूत है, वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष निष्क्रिय हैं, बाला बच्चन जी की पसंद के फिर उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। नहीं, इसमें बाला बच्चन जी की पसंद तो नहीं कह सकते हैं, ये तो हाईकमान का फैसला है, और रहे टिकटों का सवाल, तो टिकट तो खुद विधायक महोदय ने बांटे हैं, जिसमें संगठन का कहीं भी रोल नहीं था। जो मैंने पहली मीटिंग में कह दिया था कि जहाँ विधायक महोदय कहेंगे वहाँ वो ये टिकट तय होंगे, और इसके पूर्व भी उन्होंने जिला पंचायत में उनके परिवार के ही 3 टिकट दिए थे, और इस बार उन्होंने ना तो कभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को बुलाया उन्होंने कहा, और ना वो कभी इस पार्टी के लेवल पे सक्रिय रहने नहीं रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि उनकी स्थिति विधानसभा में क्या है।